ஆரம்பிடும். So today we are going to study about the constructional feature of split air conditioning system or split AC. So split AC. So before going to split AC, we all know what is window air conditioning system or window AC. So window AC, ame kon kothile condenser, evaporator, compressor, and all are kept in one unit, window AC. So in split AC, the whole unit is divided into two parts. That is, one part is kept inside the room and another part is kept outside the room. So jo part tak jo unit tak hum room bhitar rakho seta koche indoor unit, and jo unit tak hum bahar rakho che and outside the room seta koche outdoor unit. So indoor unit bhitar kon kon aasi indoor unit गोटे कैबिनेट भितर रखा जो कैबिनेट भितर इवापोरेटर कॉइल मोटर विथ फैन एंड द कैपिलरी. सो इनसाइड द रूम वन कैबिनेट इज केप्ट इनसाइड द रूम. से कैबिनेट भितर इवापोरेटर कॉइल फैन और ब्लोअर एंड द कैपिलरी. एंड आउटसाइड द रूम आउटर यूनिट रे आम रखे कंप्रेसर एंड द कंडेंसर विथ फैन condenser fan and the compressor. So this is the outer unit and this is the indoor unit. This is the wall. So this is the divider between the indoor and outer unit. Eta hocche wall ama room ro wall jo tike a room bhitre amko darkar amko cooling effect darkar. So indoor unit is also called the cooling unit and this unit is also called the condensing unit. Jehetu ame bahar condenser rakhuche, so this unit is also called condenser unit. सो फर्स्ट कौन होची आउटसाइड एयर जितरा रूम भीतर को एंटर करची तो इवापोरेटर कॉइल दी दिस आर द कॉइल्स ऑफ द इवापोरेटर्स. तो इवापोरेटर कॉइल दी पास होची. तो इवापोरेटर कॉइल दी पास हले से एयर कूल दैट एयर विल बी कन्वर्टेड इनटू कूल एयर. सो इवापोरेटर पास हला पर से एयर कूल रे कन्वर्ट हो देन से एयर कूलिंग एयर इट सॉफ्ट टुवर्ड्स द ब्लोअर. सो ब्लोअर ट्राई करके से एयर तक सॉफ्ट करिया. आफ्टर दैट दैट एयर इज गोइंग इनसाइड द रूम. सो व्हिच इज कॉल्ड दैट कंडेंसर एयर और कूलिंग एयर. ए एयर का हम करते हैं. दिस इज द डिजायर्ड एयर वी आर गेटिंग. सो नेक्स्ट कौन हो जे आउटर यूनिट का हम हो जे कंप्रेसर कंडेंसर एंड इनसाइड यूनिट. तो फर्स्ट आम लिक्विड रेफ्रिजरेंट अच्छी. लिक्विड रेफ्रिजरेंट कौन हो आम जो रूम आउटसाइड एयर रूम रे टेम्परेचर अधिक था से एयर रूम द टेम्परेचर विल एब्जॉर्ब. सो रेफ्रिजरेंट से एयर टेम्परेचर को सब एब्जॉर्ब करकी सेटा कौन हम कंप्रेसर को जीव. कंप्रेसर रे आम लो प्रेशर वेपर कंप्रेसर को गला परे फर्स्ट सेटा हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर कन्वर्ट हो. सो दैट वेपर इज कॉल्ड दैट रेफ्रिजरेंट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज. सो कंप्रेसर को आसला पर हमर रेफ्रिजरेंट का वेपर फेज से कन्वर्ट इज हो. कंप्रेसर रूम दैट विल गोइंग टुवर्ड्स द कंडेंसर. कंडेंसर रे हमर वेपर एटा टेम्परेचर रिड्यूस हे गेलि हम सेना लिक्विड लिक्विड रेफ्रिजरेंट पे कन्वर्ट हो. कंडेंसर दैट इज फिटेड विद अ फैन. तो व्हाइल द जेतेबे रेफ्रिजरेंट हमर कंडेंसर पर को जीवो फैन टा कंटीन्यूअसली रोटेट होतिबो एंड दैट हीट इज गेटिंग आउटसाइड इनटू द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर भीतर को हमर से एटा गिव अप हो. तो हीट टा जेतेबे एयर हमर रेफ्रिजरेंट हीट टा गिव अप हो सेतेबे रेफ्रिजरेंट टा टेंपरेचर कमी जीवो. कंडेंसर सेटा जीवो डायरेक्ट कैपिलरी व्हिच इज केप्ट इनसाइड द इंडोर यूनिट. हमर रूम भीतर हमर कैपिलरी अछि. सो कैपिलरी कैपिलरी कॉल आसने परे सेटा इवापोरेटर आउ नेक्स्ट नेक्स्ट फेज रे जतरा आउतरा हमर आउटसाइड एयर आसो सेटा कैपिलरी ट्यूब रो कैपिलरी रो से रेफ्रिजरेंट को मेरे से आउटसाइड एयर जे टेंपरेचर ता अधिक अछि से टेंपरेचर ता सक करिवो देन दैट विल गो टुवर्ड्स द ब्लोअर एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू चिल्ड एयर और द कूल्ड एयर. दैट कूल्ड एयर इज गेटिंग इनसाइड द रूम जोटा कि साइकिल कंटिन्यूसली कम्प्लीट हो.
So this in this way the cycle continues in split air conditioning system. So what is the difference between window AC and split AC? So window AC re jehetu amar sobu jako unit condenser and evaporator units are kept together. Jehetu window AC re amar sobu jako gote unit rakhuche, so there more noise will be created. So split AC re kon hoche jehetu amar sobu jako unit ku dita indoor aur outdoor divide karte, sethi pe amar room re there will be less noise compared to window AC. Window AC tulanare eti tike kom noise create hobo kon pai jehetu compressor and condenser and motor fans are kept outside the room. So inside the room there is only one equipment is there, that is evaporator, and another is capillary. So there will be less noise. So this is the main difference between window AC and split AC. And what is the advantages of split AC compared to window AC? Here we can kept the condenser coil as per our wish. So as there is some distance between the evaporator and the condenser coils, so we can kept the condenser. Ama condenser tabu amo hisabare ame rakhi pariba. So there should be no distance between condenser and evaporator coil should not be more than 5 to 15 meters. 5 meter to 15 meter to adhika distance na hobo padibo. So that is the criteria of split AC. So and other criteria remain same. So window AC or split AC tar COP jetiki R COP bi setiki. So main difference is this is divided into two units, one is indoor and another is outdoor. So indoor but window AC re kon hotla sabu jago ame gote cabinet bhitre rakhutile, so that is the main difference between split and window. Ready. Another difference between window and split is here split AC re kon hoche amku maintenance cost tik adhik padu. Why? As the one unit is kept outside the room, condenser au amro compressor fan e sabu jago unit ta bahar rahuchi, सेतिबे हमको मेंटेनेंस चार्ज टा टिके एटी अधिक पडबो कंपेयर टू विंडो एसी. जेतु विंडो एसी रे सब जगह गोटी विनि रखा होजी सेतिबे मेंटेनेंस कम पडबो, बट हियर मेंटेनेंस इज मोर. दैट्स ऑल अबाउट स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम. थैंक यू.